जो बहनों आजकल कहते हैं हम किसान विरोधी हो गए, हम कभी किसान का विरोध नहीं करते। और मैंने राज्यसभा में सभी दलों को कहा है कि मेरी बात में एक भी बात किसान विरोधी हो आप मुझे बताइए, मैं उसको निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन बताते नहीं है। बस उनको तो सरकार को चलने नहीं देना है, उनको देश को आगे बढ़ने नहीं देना है। भाइयों बहनों, आपने तो मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी बहुमत देकर के सरकार बना दी, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठे हैं उनका काम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद का सम्मान करे। और मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं कि राज्यसभा में आप बैठे हैं, राज्यसभा में आपका बहुमत है, इस बहुमत से आप देश को विकास की गाड़ी को मत रोकिए। ये हकीकत है, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, आपकी मदद के बिना हम देश की भलाई के काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपसे भी मेरा अनुरोध है, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है, जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास चल रहा है उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए।